ऑपरेशन ऑल आउट का नया शिकार। घाटी में गजवत उल हिंद साफ। ढेर हुआ आतंकी कमांडर ललहारी। अब आतंकी यासीन की बारी। फिदाइन फैक्ट्री फिरंट, आतंक को डेथ वारंट। घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों को हिंदुस्तान ने फिर दहला दिया है। आतंकी आकाओं के आया राम गया राम वाली लिस्ट में अब गजवत उल हिंद के आतंकी सरगना अब्दुल हमीद ललहारी का नाम भी जुड़ गया है। आपको याद होगा जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसके बाद इस ग्रुप की कमांड जो है वो हमीद ललहारी को दी गई थी। हमीद ललहारी तब से लेकर के इस ग्रुप को चला रहा था और काफ़ी लोगों को उसने मोटिवेट किया, जबकि उस वक़्त ये ग्रुप ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद इसने मोटिवेट करके दो और लोग हैं जिनको मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल किया, ख़ासतौर पर अपने ग्रुप के अंदर शामिल किया, जिसमें नवीद और जुनेद शामिल हैं। ये तीनों के तीनों मिलिटेंट वंतीपुरा पुलवामा बेल्ट के रहने वाले हैं और तीनों के तीनों जैश के साथ आजकल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। आपको बता दें, गजवत उल हिंद आतंकी संगठन अलकायदा का हिंदुस्तानी ब्रांच है, जिसकी चाहत साल 2029 तक हिंदुस्तान में इस्लामिक राज कायम करना है। ऐसे में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में 4 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब्दुल हमीद ललहारी उर्फ हारून अब्बास उर्फ लोन को ढेर कर घाटी में आतंक की कमर तोड़ दी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ललहारी के साथ 2 और आतंकी सरगनाओं नवीद और जुनैद भट्ट को मौत के घाट उतार दिया गया। ये जो मिलिटेंट मारे गए हैं, ये बहुत सारी मिलिटेंट रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल थे। इनसे बड़ी तादाद में असलम निशन भी पकड़ा गया है। 3 AK-47, 46 इनके कब्जे से पकड़ी गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस एरिया में इस ग्रुप के मारे जाने से आतंक का काफ़ी हद तक जो सफाया होगा और लोग जो डर और खौफ में जहाँ पर रहते थे, दिन दिन हरासमेंट उनकी होती थी, उसमें काफ़ी हद तक फर्क आएगा। हामिद ललहारी को इसी साल जून में आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद का नया चीफ बनाया गया था। मूसा जब घाटी में आतंकी संगठन चला रहा था, तब हामिद उसका सहयोगी था। मूसा की मौत के बाद हामिद ललहारी घाटी में आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा था। हामिद ललहारी अंसारुल गजवतुल हिंद का सुप्रीम कमांडर था और उसने इस संगठन की बागडोर तब संभाली थी जब जाकिर मूसा, जिसने अंसारुल गजवतुल हिंद को बनाया था, उसको एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। लेकिन पुलिस ने यहां पर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिनमें ये है कि जैश मोहम्मद अब सभी मिलिटेंट संगठन जैसे लश्कर तैयबा, अंसारुल गजवतुल हिंद या हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के तालमेल के साथ है और वो चाहता है कि एकजुट होकर वो कार्रवाइयाँ करे। और वहीं पुलिस ने ये भी दावा किया है कि अंसारुल गजवतुल हिंद अब लगभग ख़त्म हो चुकी है और कुछ उनके और ग्राउंड वर्कर्स ही बचे हुए हैं। अब सभी मिलिटेंट संगठनों को, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई है, मिलिटेंट्स की हथियारों की कमी है, इसलिए वो उनको असेंबल करके एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाकर ये कार्रवाइयाँ यहाँ पर करना चाहते हैं। आतंकी हामिद ललहारी को पाकिस्तान के इशारे पर दूसरे आतंकी संगठन मसलन जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा हर तरह की मदद मुहैया करवा रहे थे। इसी कारण से सुरक्षा बलों के निशाने पर रहने के बावजूद वो 4 महीनों से बचता फिर रहा था। अली जो है वो जाकिर मूसा की जगह पे गजवत उल हिंद का नया चीफ था और ये पूरे कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में इसका हाथ रहा है। और जो हाल की जो लेटेस्ट जो घटना है उसमें कश्मीर के अंदर 2 गुज्जर भाइयों की हत्या की गई थी
और उसमें इस संगठन का हाथ रहा है और इस संगठन ने ही हत्या कराई थी। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो दो गुज्जर भाई मारे गए थे वो कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद किसी आतंकी संगठन द्वारा जो की गई घटना थी उसमें ये एक प्रमुख घटना है। तो ये मुझे लगता है कि ललहारी का मारा जाना गजवत उल हिंद जो संगठन है, जो कश्मीर में अलकायदा की जो ब्रांच है, उसका एक तरीके से पराभव है, उसका जो पतन है, और ये भारतीय सुरक्षा तंत्र की एक बड़ी सफलता है। सुरक्षा बलों को मंगलवार दोपहर पुलवामा के अवंतीपुरा के पास कुछ आतंकियों की मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस जानकारी के बाद तत्काल सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की टीमों को मौके पर भेजा गया। इलाके में सख्त घेराबंदी के बीच राजपुरा गांव के सभी एंट्री प्वाइंट भी सील कर दिए गए। एनकाउंटर में हामिद लोन समेत 3 आतंकी मारे गए। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से खुन्नस खाया पाकिस्तान। घाटी में आतंकी वारदातों को हर हाल में अंजाम देने की पुरजोर कोशिश में जुटा था। सूत्रों के मुताबिक इसी सिलसिले में गजवत उल हिंद के आतंकी कमांडर हामिद ललहारी को भी आतंक के आकाओं से टारगेट मिला था। ललहारी पर टेरर टारगेट को अंजाम देने का दबाव भी था। इसी कोशिश में वो ऑपरेशन ऑल आउट का नया शिकार हो गया। पहले लश्कर ए तैयबा का हिस्सा रहा हामिद ललहारी पुलवामा में पुलिस और नागरिकों पर हुए कई हमलों का मास्टरमाइंड था। काकापोरा में आतंकी हमला कर उसने भारतीय सुरक्षा बलों को चुनौती दी थी। पिछले साल सितंबर में ऑपरेशन ऑल आउट की लिस्ट में उसका नाम आया था। उस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुए 3 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और 600 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना की रणनीति है कि आतंकी कमांडर चुने जाने या चर्चा में आते ही जल्द से जल्द टॉप आतंकियों को खत्म कर दिया जाए। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हामिद ललहारी से पहले कई बड़े आतंकी सरगना ढेर किए जा चुकी हैं। इसमें पिछला बड़ा नाम जाकिर मूसा का था। ललहारी जाकिर मूसा का ही दायां हाथ हुआ करता था। जाकिर मूसा 23 मई 2019 को दक्षिण कश्मीर के त्राल में सेना ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जाकिर मूसा को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। कश्मीर में सेना द्वारा मार गिराया गया जाकिर मूसा बुरहान वानी के बाद घाटी में आतंक का नया पोस्टर बॉय कहा जाता था। मूसा ने अलकायदा के संगठन असार गजावत उल हिंद की कमान संभाली थी और वो घाटी में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों की वारदात में भी शामिल था। मूसा ने मई 2017 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को धमकी दी थी और कहा, हम आजादी के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस्लाम की खातिर आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा खून इस्लाम के लिए बहेगा। जीनत उल इस्लाम उर्फ अलकामा। लश्कर ए तैयबा के आतंकी जीनत उल इस्लाम को इसी साल जनवरी में मार गिराया गया था। नवंबर 2015 में लश्कर में भर्ती हुआ था। उसे आईईडी एक्सपर्ट माना जाता था। उसके ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम था। सेना ने उसे A++ कैटेगरी की आतंकियों की लिस्ट में रखा हुआ था। जीनत को लश्कर ए तैयबा में उस दौरान ऊंची रैंक मिली जब अमरनाथ हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल को मार गिराया गया। 2017 में शोपियां हमले का मास्टरमाइंड जीनत ही था। नवीद जट। 28 नवंबर 2018 जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्द नवीद जट को मार गिराया गया था। वो पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या का मास्टरमाइंड था। नवीद A++ श्रेणी का आतंकी था। पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में शामिल रहा नवीद निर्दयी था और दक्षिण कश्मीर में कई बच्चों का गला रेतने में शामिल रहा था।
मन्नान वानी। 11 अक्टूबर 2018 को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मन्नान वानी को एक एनकाउंटर में मारा गया था। मन्नान वानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व स्टूडेंट था। मन्नान वानी ने पिछले साल की शुरुआत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पीएचडी कोर्स छोड़कर हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ थाम लिया था। हिजबुल ने उसे कुपवाड़ा का कमांडर बनाया था। सबजार अहमद भट्ट। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सबजार अहमद भट्ट को मई 2017 में एक एनकाउंटर में मारा गया था। 14 अप्रैल 2015 से कश्मीर के त्राल में सक्रिय था और E++ कैटेगरी का खतरनाक आतंकी था। समीर टाइगर। हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर समीर टाइगर को 30 अप्रैल 2018 को हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया था। बुरहान वानी की तरह टाइगर भी घाटी में हिजबुल के नए पोस्टर बॉय के रूप में देखा जा रहा था। A++ कैटेगरी का ये आतंकी लंबे समय से सेना की वांटेड लिस्ट में था। जुनैद भट्ट। जून 2017 में सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में लश्करे तैयबा के कमांडर जुनैद भट्ट को एनकाउंटर में मार गिराया था। जुनैद कुलगाम के खुद वानी गांव का निवासी था। वो 3 जून 2015 को संगठन में भर्ती हुआ था। भट्ट काफी पढ़ा लिखा था और उसे तकनीक का अच्छा ज्ञान था। भट्ट पहली बार तब खबरों में आया जब जून 2016 में आतंकियों के गुट ने अनंतनाग में पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। भट्ट के सिर पर 5 लाख रुपयों का इनाम था। सद्दाम पद्दार। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हिजबुल का कमांडर था। मई 2018 में एक एनकाउंटर में उसे मारा गया। सद्दाम सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में शुमार था। अपनी कई आतंकी गतिविधियों के कारण वो कई सालों से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर चल रहा था। कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने की साजिश रचने वाले आतंक की ये बड़े चेहरे ढेर हो चुके हैं। अब हामिद ललहारी के खात्मे के साथ घाटी में आतंक की नई पौध लगभग खत्म हो चुकी है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद घाटी में आतंक के सिर उठाने की आशंका गहरा रही थी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं की नापाक साजिश नाकाम रही और कश्मीरी नौजवान उनके झांसे में नहीं आए। कश्मीर के लिए ये उम्मीद की किरण है और आतंक के ताबूत में आखिरी कील। ललहारी के खात्मे के साथ आतंक के ताबूत में ये कील और गहरे गड़ चुकी है, क्योंकि अगले आतंकी कमांडर के खात्मे का खुलेआम ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।